नमस्कार इंडिया, मैं हूं शेफ देवराज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। आज आपके सामने मैं पेश हूं अमूल अ सिंपल होममेड रेसिपी के साथ। आज हम लोग बनाएंगे सिंपल होममेड रेसिपी के अंदर मल्टीग्रेन चॉकलेट लड्डू, जो बहुत ही सिंपल डिश है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी डिश है और बहुत ही सिंपल ईजी वे के अंदर आज हम लोग ये डिश बनाएंगे आपके सामने। तो चलिए मैं पहले थोड़ा और व्यूवर्स का वेट कर लेता हूँ और आपको मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स जो मैंने कलेक्ट किए हैं, जो हम लोग यूज करेंगे इस रेसिपी के अंदर, वो मैं आपको शो कर देता हूँ कि मैं क्या क्या यूज करने वाला हूँ इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है मेरे पास। सो लेट्स स्टार्ट विद द कि हम लोग इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू क्लोज डाउन हियर। सो ये है अमूल की चॉकलेट जो हम लोग इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं और दिस इज़ आवर मेन इंग्रेडिएंट टू यूज़ इन दिस मल्टीग्रेन चॉकलेट लड्डू। अमूल का देसी घी यूज़ करने वाले हैं हम लोग और कुछ नट्स हैं और यहाँ पर मैंने कुछ ये मल्टीग्रेन आटा मैंने लिया है जो मेरा 150 ग्राम के आसपास जो मैं यूज़ करने वाला हूँ और हेल्दी फाइबर के साथ हमारी फ्लेक सीड्स यानी कि अलसी जो हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे। होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। सो आप इसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे हेलो लिख दीजिए अगर आई एम ऑडिबल इज माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल, तो मुझे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि मैं आपके सामने आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो मैंने मल्टीग्रेन आटा लिया है इसको मैं रोस्ट करूँगा, इसको हम लोग ड्राई रोस्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। व्यूवर्स काफ़ी जुड़ गए हमारे साथ, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद अवर रेसिपी विद अमूल चॉकलेट। सो पहले हम लोग पैन अपना गर्म कर लेंगे और इस पैन के अंदर हमारा पैन गर्म होना स्टार्ट हो गया है। टेम्परेचर ऑलमोस्ट हीट हो चुका है और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम लोग। तो ये जो मैंने आटा मल्टीग्रेन आटा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर 5 मल्टीग्रेन्स है जो मैं रोस्ट करूँगा यहाँ पे ड्राई रोस्ट पैन के अंदर। ये मैंने पैन के अंदर कुछ भी नहीं डाला है एक्सेप्ट क्लियर। और ये हमारा मल्टीग्रेन आटा, ठीक है गाइस। तो ये हमारा रोस्ट होना शुरू हो गया और जो इसकी खास बात है इस मल्टीग्रेन आटे को जब आप यूज़ करते हैं और उसको रोस्ट करते हैं ये बड़ी अच्छी सी खुशबू देना स्टार्ट कर देता है और इसका कलर चेंज होने लगता है। और ये हमारा जब तक हमारा ये आटा रोस्ट हो रहा है इसके अंदर हम लोग बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे जो मैंने नट्स कुछ कलेक्ट करके रखे हैं, किशमिश है, अंजीर, कैशू नट्स, आलमंड्स और अमूल का गाय का शुद्ध देसी घी जो हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये हमारा आटा अमूल रोस्ट होना शुरू हो गया है, बहुत अच्छी सी क्लियर सी खुशबू आने लगी है भुने हुए आटे की। और ये देखिए इसका कलर, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए कलर इसका हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया और ये रोस्ट हो गया है, हो रहा है अच्छे से। तो इसको हम लोग रोस्ट करेंगे और रोस्ट होने से क्या होता है कि इसका थोड़ा सा जो कच्चापन है वो निकल जाएगा और ये हमें बहुत फ्लेवरफुल लगेगा। तो ये हमारा आटा रोस्ट हो रहा है पैन के अंदर। बाकी जो व्यूवर्स अब और जुड़े हैं मैं उनको बता दूँ फिर से, आज हम बना रहे हैं यहाँ पर मल्टी ग्रेन चॉकलेट लड्डू अमूल चॉकलेट। तो और जिसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे अमूल की चॉकलेट और यहाँ मैंने मल्टी ग्रेन आटा यूज़ कर रहा है और ये हमारा ऑलमोस्ट रोस्ट होगा। ये देखिए कलर इसके अंदर चेंज होना शुरू हो गया, ये होपफुली सब लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ये देखिए रोस्ट होना शुरू हो गया हमारा मल्टी ग्रेन आटा। और ये हम लोग ये वाला जो मैंने बॉल लिया है इसके अंदर, ये हमारा बॉल है मिक्सिंग के लिए, ठीक है।
और यहाँ पे जो मेरा पर्पज है आप लोगों को बताना कि आप अपने बच्चों को जो आजकल जो कोविड की पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है इसके अंदर सब लोग ढूंढ रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर, कुछ हमें मिल जाए, हम कुछ खा लें, कुछ अच्छा सा सिंपल सा, तो घर में बनाया हुआ जितना भी जो आपका खाना है वो सब इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी हेल्थ को ठीक रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, और स्टूडेंट और जो घर में होम शेफ्स है उनके लिए भी, और मेरा तो सबसे कहना ये है कि आप सब लोग अपने घर का खाना खाइए और कुछ टाइम के लिए अवॉइड कीजिए। ये मेरा टेम्परेचर थोड़ा कम कर दिया है और ये देखिए हमारा धुआं इसमें से निकलने लगा है और ये हमारा मल्टीग्रेन जो फ्लावर है इट्स ऑलमोस्ट डन, रोस्ट हो चुका है और मैं इसको अपने इस पैन के अंदर ऐड कर दूंगा। ये मैंने ड्राई रोस्ट किया है इसके अंदर नो, और ये जब तक हल्का से गर्म है उसके साथ साथ ये मेरी जो हमने सूजी ले रहे हैं इसके अंदर सेमोलिना, ये हमारी 20 ग्राम एंड 20 ग्राम टोटल 40 ग्राम, ये हम लोग इसको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे। आप चाहे तो इसको जिनको ज़्यादा रोस्ट पसंद है ज़्यादा रोस्ट कर सकते हैं और हल्का सा रोस्ट इसको कर लेंगे। तो जब तक ये हमारी रोस्ट हो रही है ये देखिए इसके अंदर बॉल है। इसके साथ साथ मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ, और ग्लव्स इसलिए जो हमें मिक्सिंग करनी है वो हम लोग हाथ से करेंगे ताकि हम जो लड्डू जो बनाए बॉल्स बनाए वो हमारी हाइजीनिक तरीके से बने। तो मैं यहाँ पे ये ग्लव्स डाल रहा हूँ और मिक्सिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन वन बॉल। इस बॉल के अंदर हम लोग अपने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे और बहुत ही फास्ट और बहुत ही क्विक रेसिपी है जो मैं आज आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये दीजिए ग्लव्स हम लोग मैंने पहन लिए हैं और ये सूजी हमारी और रोस्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए सूजी हमारी रोस्ट हो गई है यहाँ पर। जो और अभी और व्यूअर जुड़े हैं जो और जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि शेफ क्या बना रहे हैं आज, तो मैं आपको बता दूं फिर से हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे मल्टीग्रेन कोकोनट लड्डू। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं इसका। तो ये देखिए हमारी जो सूजी है ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। ये देखिए ये बहुत अच्छी धीरे से खुशबू आना शुरू हो गई है यहाँ पे। और ये यहाँ पर मैंने बना के रखा है शुगर सिरप। ठीक है, आप शुगर सिरप हो गया इसके अंदर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, गुड़ यूज़ कर सकते हैं आप लोग, गुड़ का सिरप बना के यूज़ कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी सूजी ऑलमोस्ट रोस्ट हो गई जो मैं इस पैन के अंदर ऐड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपना अब इसको इंडक्शन को बंद कर देता हूँ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं मिक्सिंग। तो ये मैंने यहाँ पे जो आपको बताया कि इंडक्शन मैंने इधर बंद कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने सूजी मल्टीग्रेन और ये थोड़ा गर्म रहे तो ज़्यादा ठीक रहता है, गर्म गर्म के अंदर ही हम लोगों ने यहाँ पर, और ये हमारी अलसी है जो मैंने ऑलरेडी रोस्ट करके रखी थी तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा किशमिश जो मैंने यहाँ पे कट करके रखी थी, ये मैंने यहाँ पे किशमिश ऐड कर दी। ये लीजिए किशमिश आ गई हमारी। ये आ गई हमारी अब अंजीर जो मैंने कट, ये मैंने यहाँ पे अंजीर ऐड कर रहा हूँ। सो होपफुली मैं ऑडिबल हूँ सबको। और ये मैंने यहाँ पे अंजीर ऐड किए, ये यहाँ पर काजू मैंने ऐड किए हैं, ये भी मैंने चॉप करके रखे थे, ये चॉप कुछ आलमंड्स, बाकी मैं गार्निश के लिए रखूँगा, ये मैंने इसमें मिक्स कर दिए। और हाँ, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट यहाँ पर जो मैं ऐड कर रहा हूँ अमूल की चॉकलेट। ठीक है, ये हमारे इसके अंदर गरम के अंदर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कोको पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारे ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए मैंने इसके अंदर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट नाउ आई एम गोइंग टू ऐड, होपफुली सबको मेरा ये बाउल दिख पा रहा हो, इस बाउल के अंदर अब मैं देसी घी ऐड करूँगा। ये थोड़ा देसी घी कुछ हम लोग बाइंड करने के लिए बचाएंगे
और ये यहाँ पर शुगर सिरप, ये मैंने शुगर सिरप इसमें ऐड कर दिया। नाउ इसको मैंने मिक्स करना स्टार्ट कर दिया, ये देखिए। सो ये हमारा मिक्सचर जो रेडी हो रहा है, जिससे हम लोग अपने लड्डू बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा मल्टी ग्रेन चॉकलेट कोकोनट लड्डू, हमारी चॉकलेट इसके अंदर मेल्ट हो गई है। सो ये लीजिए क्विक इजी सिंपल रेसिपी, ये लीजिए ऑलमोस्ट डन, ये देखिए। तो ये देखिए आपको, होपफुली प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ये हमारा मिक्स हो गया है। तो रेसिपी इसको मिक्स करने के साथ साथ कई मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं रेसिपी रिपीट करने के लिए। अब मैं अपने इसके अंदर हाथ यूज करूंगा, ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है, ठीक है। और हमें इसको बाइंड करना पड़ेगा, ये देखिए इजीली ये बाइंड होना शुरू हो गया। तो हमारी शुगर भी इसमें मिक्स हो गई है। सो ये देखिए, सो रेसिपी के साथ मैंने जो आपको बताया, इसके अंदर 100 ग्राम मल्टीग्रेन आटा, ठीक है, 40 ग्राम सूजी, अलसी आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं 20 से 30 ग्राम, जो ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया है यहाँ पर मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद कुछ नट्स, और जो मैंने अमूल का जो प्रोडक्ट यूज़ करा है वो है यहाँ पर चॉकलेट यूज़ की है मैंने, ठीक है। तो चॉकलेट यूज करने के साथ साथ ये इसके अंदर मैं थोड़ा और शुगर सिरप ऐड कर रहा हूँ, ये लीजिए ये हमारा ऑलमोस्ट शुगर। तो जैसे कि आपका जो मेन इंग्रेडिएंट है उसकी क्वांटिटी जितनी भी है आपकी, जैसे कि आप लोगों का टोटल यहाँ पे 140 ग्राम मिक्सचर हो रहा है सूजी और मल्टीग्रेन, तो हम लोग यहाँ पे जो शुगर यूज करेंगे वो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। तो शुगर इसके अंदर हमारी हाफ यूज करेंगे हम लोग, जितना आपका मेन इंग्रीडियंट उसका हाफ हमारा शुगर हम लोग यूज करते हैं, उससे हमारी बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए ये हमारा कोकोनट जो मैंने इसके अंदर रखा है, इससे मैं कोटिंग और बाइंडिंग करूंगा अपने लड्डुओं की, ये देखिए। तो ये मैंने यहाँ पे ये बाइंड करना शुरू किया, ये देखिए, होपफुली सबको दिख पा रहा हो, ये मेरा लड्डू यहाँ पर, ये देखिए हमारा लड्डू बाइंड हो गया है, ये देखिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी, बहुत ही इजी, और सबसे बड़ी बात आपकी हेल्थ को ठीक रखेगी, ठीक है। तो ये देखिए ये लड्डू हमारा ऑलमोस्ट बाइंड, ये मैंने यहाँ रख दिया। और यहाँ रखने के बाद ये जो मैं इसके साथ अब ये कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये मैंने किया, ये मेरा कोकोनट डेसिनेटेड कोकोनट पाउडर है, ये मैंने इसके अंदर इसको कोट किया, ये देखिए ये यहाँ पे मैंने इसको कोट कर दिया है, ये देखिए। तो हम लोग यहाँ पे दो तरीके से अपने कोकोनट ये मल्टीग्रेन लड्डू प्रेजेंट करेंगे, विद द कोकोनट कोटिंग एंड विद एंड अदर वन इज चांदी का वर्क। तो ये देखिए ये हमारा लड्डू यहाँ पे एक रेडी है, तो और हम लोग दो पीसेस बना लेते हैं, ये देखिए ये हमारी बाइंडिंग करी हमने, ये लिया ये यहाँ पे अपना लड्डू को ऐसे बाइंड करेंगे, बाइंड करने के बाद कोकोनट के साथ कोटिंग, ये देखिए झटपट रेसिपी आप इसको बोल सकते हैं, झटपट रेडी हेल्दी सब कुछ है इसके अंदर, फाइबर है, फ्लेवर है, चॉकलेट है बच्चों के लिए, बड़े भी चॉकलेट ट्राई कर सकते हैं, खाइए, चॉकलेट में कुछ बुराई नहीं है, ठीक है। ये अभी मैंने रिसेंटली एक देखा था, उसमें वीडियो अमूल पे ये शेफ ने बताया था चॉकलेट में कुछ खराबी नहीं है, उनकी ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी जो उन्होंने यूज़ करा कि चॉकलेट में कोई खराबी नहीं है। सो ये देखिए ये मैंने फिर से ये कोट किया, ये लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे लड्डू ऑलमोस्ट रेडी कोटिंग के साथ, ठीक है। तो ये आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज अवर मल्टी ग्रेन चॉकलेट लड्डू विद कोकोनट कोटिंग। अदर वन हम लोग जो अगली हमारी
प्रेजेंटेशन और फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये लीजिए, ये फिर से मैं बाइंडिंग के साथ ये मैंने बाइंड किए अपने लड्डू, ठीक है। ये लीजिए, ये मैंने बाइंड किए, ये देखिए कितने इजी तरीके से बाइंड हो रहा है यहाँ पर। ये लीजिए, ये बाइंड हुआ। अदर वन फिर से हमारा जो मिक्सचर है, ये देखिए, ये देखिए, ये लीजिए। सो ओवर मल्टीग्रेन चॉकलेट लड्डू जो बाकी देर से जुड़े हैं, मैं उनके लिए फिर से एक बार रेसिपी रिपीट कर देता हूँ हमारे मल्टीग्रेन चॉकलेट लड्डू की, जिसके अंदर हम लोगों ने मल्टीग्रेन आटा लिया 100 ग्राम, 40 ग्राम हम लोगों ने सूजी ऐड की, ठीक है। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, इस तरीके से आप नट, अगर आप एलर्जिकल हैं, नट नहीं खाते हैं तो नट ना यूज़ करें, बट अलसी हो गया। और यहाँ पर जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ लड्डू को, ये लीजिए, विद चांदी का वर्क से हम लोग यहाँ पर कोटिंग करेंगे अपने लड्डू की। सो ये लीजिए, ये लीजिए, ये हमारा कोकोनट लड्डू विद चांदी के वर्क की प्रेजेंटेशन के साथ। ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पर कोट कर दिया है लड्डू, आप इसको फुल कोट भी कर सकते हैं। और इसको ये लीजिए, सो दिस इज ओवर मल्टीग्रेन चॉकलेट लड्डू, वेरी सिंपल एंड ईजी रेसिपी जो एकदम झटपट तैयार हो जाती है। तो लीजिए, मैं आपको थोड़ा और गार्निश कर देते हैं थोड़ी आलमंड के साथ। ये सो हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट मल्टीग्रेन लड्डू रेडी हैं, जो मैं आपको और थोड़ा, ये लीजिए, तो मैं और थोड़ा सा और क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ कि हाउस ओवर चॉकलेट लड्डू इज। ये देखिए, तो ये हमारे चॉकलेट लड्डू ऑलमोस्ट रेडी हैं। ये लीजिए, तो मैं आपके सामने फिर से पेश कर देता हूँ एक बार फिर से अपने मल्टीग्रेन चॉकलेट लड्डू। सो ये लीजिए, शेफ देव इज फ्रंट ऑफ यू विद मल्टीग्रेन चॉकलेट लड्डू, जिसमें हम लोगों ने अमूल की चॉकलेट यूज़ करी है, देसी घी यूज़ करा है। और मैं रेसिपी फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो इसमें मल्टीग्रेन आटा, इसमें 5 मल्टीग्रेन्स हैं, और फिर हम लोगों ने इसको रोस्ट किया। रोस्ट करने के बाद हम लोगों ने सूजी को रोस्ट किया। रोस्ट करने का 100 ग्राम हमारा मल्टीग्रेन आटा और 40 ग्राम सूजी थी, जिसको हम लोगों ने मिक्स करके एक बाउल के अंदर मिक्स किया। और उसके अंदर नट्स हम लोगों ने यूज़ करें, जिसके अंदर अंजीर था, आलमंड, किशमिश, कैश्यू नट्स वगैरह, जो भी आप उसमें यूज़ करके करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के बाद हम लोगों ने उसको बाइंड किया देसी घी और शुगर सिरप के साथ। दो शुगर की हमने क्वांटिटी रखनी है इसके अंदर, अगर 140 आपका मेन इंग्रेडिएंट है तो उसका आधा आप लोग कर दीजिए, तो उसके अंदर आपकी उतनी शुगर आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने मल्टीग्रेन चॉकलेट लड्डू। और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आपने मेरा लाइव सेशन देखा, और इसके अंदर रेसिपी आप डेफिनेटली ट्राई करेंगे। और अमूल का धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने पेज पर लाइव आने के लिए। तो थैंक यू व्यूवर्स, आप ट्राई कीजिए अपने घर के अंदर, और बच्चों को भी खिलाइए और बड़ों को भी खिलाइए। सो थैंक यू सो मच, सो धन्यवाद। और मैं आपको थोड़ा क्लोज से और दिखा देता हूँ कि हाउस ओवर चॉकलेट लड्डू लुक्स लाइक। सो ये देखिए,
ये सामने इसके ये लीजिए, और ये हमारी अमूल की कुछ चॉकलेट्स जो मैं इस प्लेट के अंदर रख रहा हूँ। सो ये आपके सामने। सो मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है आप मुझे मेरे पेज पे फॉलो कर सकते हैं, आपको वहाँ रेसिपी पूरी मिल जाएगी। मैं हर रेसिपीज़ अपने पेज पे, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे शेयर करता रहता हूँ। सो होपफुली आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा इस रेसिपी को, और डेफिनेटली होपफुली यू ऑल ट्राई दिस रेसिपी। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, टिल देन गुड बाय, शब खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।